आप बताइए, आपको मैं बहुत सारी चीजें भेजता रहता हूँ, कैसी लग रही हैं वो? बिल्कुल ठीक लग रही हैं। कभी कभी मेरे को ये होता है, मैं अपना व्यू तुम्हें दे दूं, कभी कभी ये होता है कि थोड़ा लंबा हो गया है। एक कभी कभी क्या होता है? ये जो सेशन होता है वो लंबा हो गया है। एक्चुअली मैं बेसिकली मेरा ये अनुभव रहा है कि जो छोटे सेशन हैं वो उन्हें कोई देखता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जस्ट मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम व्यूअरशिप को देखते हैं अपनी, तो जितने भी हमारे 5 मिनट 7 मिनट के जो सेशंस हैं उनको देखने वालों की संख्या 5, 7, 10, 12, 15 से ज्यादा नहीं जाती है, जबकि जो ये बड़े सेशंस हैं इनको देखने वालों की संख्या हजारों में भी है। तो इसका मतलब है कि लोग बाग जो सीरियस चीज को सुनने के लिए, छोटी चीज को सुनने के लिए, और छोटे में हर चीज नहीं परोसी जा सकती है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी राय ये है कि हाँ, जो छोटे तो मैं एग्री नहीं कर रहा, मैं ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसको थोड़ा सा टेपर करो। अभी बेसिकली आप ये देखेंगे कि हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है ना? अच्छा जी। और मैंने ये प्रण किया है कि मेरा जीवन एक एनर्जी है, राइट? और हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो इट शुड नॉट गो विदाउट रिकॉर्डिंग। तो या तो हम ऑडियो पे होते हैं या हम वीडियो पे होते हैं, बट एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। आई डोंट डू, मेरी कोई भी थिंकिंग, कोई भी बात बिना रिकॉर्डेड नहीं होती है। और हम उसको इमीडिएटली क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करते हैं, और उसके पीछे मकसद ये होता है कि कोई ना कोई तो लाइक माइंडेड व्यक्ति उसको सुनने का मौका मिलेगा। मैं तो सारे सुनता हूँ जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दो बार बीच में ये आया, बीजेपी का बंदा आ गया, वो बीजेपी की बात करने लगा, वो हमारा अपोलिटिकल है। देखो, मेरा आपको एक चीज कहना है कि इसको बाद में पॉलिटिकल तो बनना ही पड़ेगा, मजबूरी होगी। जानते क्यों? क्योंकि यदि आप पॉलिटिकल नहीं बनेंगे तो या तो जो है ना पॉलिटिकल विंग आपको अडॉप्ट करे, ठीक है ना, जिससे आपकी पॉलिसी के लिए जो रेगुलेशन रूल और जो कानून बनाना है वो कोई बनाए, क्योंकि अदरवाइज ये दुष्ट जो है, देखिए अभी इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी सभी लोग जो है टिकट जो है क्रिमिनल्स को बांट रहे हैं। यही कारण है कि 2019 का जो पार्लियामेंट बना है उसमें 42% जो ना पार्लियामेंटेरियन दे आर विद द क्रिमिनल रिकॉर्ड, और 29% पार्लियामेंटेरियन को तो के खिलाफ तो मर्डर, रेप, किडनैपिंग, ऐसे भयानक ऑफेंसेस हैं कि मतलब उनको लगता है कि इनको जेल में होना चाहिए या पार्लियामेंट में होना चाहिए, एक सोचने का विषय है। जी हाँ, जी हाँ। और आई एग्री, चूंकि शरीफ आदमी की जीतने की संभावना इन अपराधियों की तुलना में 1/3 होती है, तो अब तो होड़ लगी है कि अच्छा अपराधी कहीं अपने क्लच से ना निकल जाए, राइट? और अब ये बाउंड्री भी नहीं रही है कि कौन बीजेपी की थिंकिंग है, कौन कांग्रेस की थिंकिंग है, सब साले एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, और वो बेशर्मी से जो है ना जहां जिसको लाभ दिख रहा है वहां पे वो जाके ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि उनकी सोच, इच्छा शक्ति, राजनीतिक चिंतन ये तो कहीं है नहीं। सब लोग अपने राजनीतिक लाभ के हिसाब से अपने पैतरे बदल रहे हैं, तो देश तो कहीं बीच में है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई फुल्ली एग्री। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूँ कि 2024 का चुनाव कैसा होगा यदि हम समय रहते नहीं चेते, यदि हमारे चिंतन को हमने पॉलिटिकल डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज नहीं किया, यदि हम जो है ना अपने डिस्कोर्स से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यदि हम प्रभावित नहीं कर पाए, तो 2024 में 50% से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन क्रिमिनल्स होंगे। ओह माय गॉड, सो 42 है, 8% ही तो है, 8% तो बहुत कम हो गए ना, अब तो 8% की तो यात्रा करना है। मेजोरिटी में तो आ जाएंगे ना, फिर इस तरह चलेगा तो चलता ही रहेगा। हाँ, ये आप मान के चाहिए कि यदि जो है ना CFB का थिंकिंग यदि इनको सोचने के लिए मजबूर कर नहीं पाया, तो आप 2024 में 50% जो है से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन क्रिमिनल्स होंगे, तब इसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा, इसको क्रिमिनोक्रेसी कहा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स। कानून उनका बनाने की क्षमता उनकी होगी, पुलिस उनकी होगी,
चूतल आपके होंगे, डंडे उनके होंगे। भगवान भगवान ना करे ऐसा दिन आए। नहीं लेकिन ये तो आप कैसे रोक सकते हैं, अनलेस आप जो है ना कोई ऐसे डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, आप ऐसी कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं ला रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ना कि आप ऐसा होने से कैसे रोक पाएंगे। आपको जो है ना रिलीजन पे, कास्ट पे ये दिखा के वो दिखा के। अच्छा दूसरी बात है कि कांग्रेस ने ऑलरेडी बहुत कचड़ा किया हुआ है, राइट? बिल्कुल। मतलब मेरा तो ये मानना है कि इस देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी हुई है कि जीरो वोट पाने वाले जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये इस देश के लिए, देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। इसलिए मेरे दिल में जो है ना महात्मा गांधी जी के लिए जो इतना सम्मान, अपार सम्मान हुआ करता था, वो विलुप्त हो गया है। मुझे लगता है ये व्यक्ति तो दुष्ट व्यक्ति था कहीं ना कहीं। तो मुझे ये भी लगता है कि ये व्यक्ति तो किसी का एजेंट था। यदि एजेंट नहीं था तो ये मुझे बताइए कि इसने जो है ना किंग के प्रति जो है ना एलिजियंस का वो रेजोल्यूशन जो है कांग्रेस में कैसे पास कराया। आप ये बताइए कि इस देश में जॉर्ज पंचम के स्तुति गान में जो गाना बनाया गया कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये भारत भाग्य विधाता कौन है? जॉर्ज पंचम। ये जॉर्ज पंचम का जो है ना किस स्तुति में गाया हुआ गान हमारा राष्ट्रीय गान कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हाँ बड़ी चीजें हैं पर और नहीं इन इन चीजों को हम क्यों नहीं कह रहे हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैसे जो है ना कश्मीर में प्रवेश करा के उसको षड्यंत्र के तहत मार दिया गया, उनकी मां के तमाम पत्रों के बावजूद जांच क्यों नहीं बिठाई गई? अब जांच बिठा दी जाए भाई। हम ये कह रहे हैं कि मर गए लोग बाग, लेकिन कम से कम दुष्ट को दुष्ट कहने का तो जो है ना साहस जो है ना इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों को, स्वतंत्र लोगों को होना होगा। तो आप देखिए, आप 100% अपॉलिटिकल नहीं हो सकते हैं। आपका उतना पॉलिटिकल तो आपको होना ही पड़ेगा, सो दैट यू शुड बी इन पोजिशन टू फ्रेम लॉ रेगुलेशंस। आपको क्राइम फ्री भारत ने, आपको मालूम है इट इज ए नेशनल पुलिस मिशन अंडर BPRND गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ दैट मिशन, राइट? हमने एक कानून, ड्राफ्ट कानून बना के सबमिट किया है BPRND को, जिसका नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें हमने प्रॉमिस किया है कि राइट टू प्राइवेसी। अभी राइट टू प्राइवेसी बदमाशों का सपोर्ट करने के लिए है। राइट टू प्राइवेसी, लेट इट बी टू द सपोर्ट पब्लिक। बिल्कुल भाई, ये बताइए, भगवान ने तो अपने लिए राइट टू प्राइवेसी नहीं रखा है। हम लोग सब लोग जो है ना डिजिटल चित्रगुप्त की बात करते हैं। ये चित्रगुप्त कौन प्राणी है जो आपकी जासूसी कर रहा है, आपके बारे में हर खबर रखता है, उसके पास हर वीडियो फुटेज पहुंच रहा है, राइट? Yes, जब आप मरते हैं तो वो आपको आपके वीडियो फुटेज दिखाता है कि भाई साहब देखो आपने ये किया है। अच्छा अब वो चित्रगुप्त क्या आपकी राइट टू प्राइवेसी को कितना ऑनर कर रहा है? वो आपका वीडियो आपके पड़ोसी को दिखाता है क्या? हेलो, आप ये बताइए कि क्या जो चित्रगुप्त है अपने मरने के बाद वो वीडियो, अपना वीडियो किसी दूसरे को दिखाता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब है चित्रगुप्त इज ऑनरिंग द चित्रगुप्त इज हैविंग ऑल इन्वेसिव एक्सपीरियंस एंड इट इज कलेक्टिंग एवरीथिंग अबाउट एवरी पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी, राइट? एंड इट इज शोइंग टू यू कि भाई साहब देखो आपने यहां गलती की थी, अब आप जो है ना नरक जाने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना? नाउ CFB हैज क्रिएटेड डिजिटल चित्रगुप्त और वो कह रहा है कि जो है ना इट विल गो इन क्लाउड स्पेस, और यदि उसका चेयरमैन जो है इसका, यदि वो यदि किसी से इलीगली शेयर कर लेगा तो बैकएंड इंजन अपने चेयरमैन के विरुद्ध जो है FIR दर्ज करके, और उसमें हमने कहा है कि 7 ईयर का मिनिमम पनिशमेंट रहेगा एंड देयर विल बी बार दैट इट कैन नॉट रन कॉन्करेंटली। मतलब ये हमने कोर्ट पे नहीं छोड़ा है, हमने कहा है कि यदि आपने 4 केसेस में लीक किया है तो आप 28 साल के लिए जेल जाने के लिए तैयारी कर लीजिए मिस्टर चेयरमैन, ठीक है? Now that kind of the powerful contemplation has to be done. ये आज का लोकपाल जैसा नहीं होगा जिसमें लोगों को ये भी नहीं मालूम है कितने साल हो गए हैं, लोकपाल महोदय का नाम क्या है? है क्या बला क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन किया गया दुष्टों के द्वारा, वो लोकपाल जो है ना कहाँ है, कहाँ सो रहा है? What is his impact? इसका मतलब है कि impact ऐसे नहीं आएगा।
इम्पैक्ट हैज टू कम फ्रॉम द एंड टू एंड सॉल्यूशन। आपको जो है एजिटेशन नहीं करना है आपको। हम तो कह रहे हैं कि सीएफबी का सोचना है कि हम ना तो ज्ञान बांटेंगे और ना ही अवेयरनेस बांटेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि हम में से मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं वो फ्लैट वेजल हैं, उन पे कुछ भी डाल लीजिए उनको बह जाना है, और हम में से बहुत सारे लोग महापात्र हैं, बहुत बड़े बड़े पात्र हैं, लेकिन उनका ज्ञान इतना ऊपर बह रहा है कि उन्हें अपना ज्ञान संभालने के लिए तो जगह ही नहीं मिल रही है, तो आपका ज्ञान क्या संभालेंगे वो, ठीक है ना? ठीक है। तो इसलिए जो है ना बी सेड कि हम जो है अवेयरनेस और ज्ञान नहीं बांटेंगे, वी विल गो इन डायरेक्ट ज्वाइंट वेंचरशिप, डायरेक्ट हम पार्टनरशिप में जाएंगे, राइट? और लीगली इनफोर्सेबल पार्टनरशिप करेंगे, ज्वाइंट वेंचर्स बनेंगे, राइट? और देन हम जो है ना आपसे वो कराएंगे जो कि लार्जर पार्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ सीएफबी है। जैसे हम जो है ना कह रहे हैं कि जो भी एग्रो मशीन टूल्स हैं वो मुझे प्रेजेंट फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हमें उसमें RFID लगाना है, हमें उसमें GPS लगाना है, हमें उसमें ढेर सारे सेंसर लगाना है, क्योंकि आज तो स्थिति ये है कि जिसपे भरोसा करो वही जो है ना गड्ढा खोदने पर लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आज वही ईमानदार है जिसे भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। ईमानदार, बिल्कुल ठीक है। तो हम आपको मौका ही नहीं देंगे। जब एक इंसान सीएफबी ये सोच सकती है कि देर विल बी नो अपॉर्चुनिटी टू कमिट क्राइम इन इंडिया, वो उसका दिमाग इतना तेज तो चलता होगा कि वो आपसे नेगेटिविटी नहीं करने देगा। आई एम सेइंग इन फ्यूचर सीएफबी विल बी ब्रिंगिंग एंड मेकिंग इंडिया नेगेटिविटी फ्री। आपको नेगेटिव चीज करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, आपको कंस्पायरेसी करने का मौका ही नहीं रहेगा। एंड वी वुड बी क्रिएटिंग चित्रगुप्त विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द स्टेक होल्डर्स 137 करोड़ पीपल। वेरी गुड, वेरी गुड। गवर्नमेंट जो है कि मशीनरी जिस काम को रोकने के लिए बनी है वो वही काम को प्रश्रय दे रही है, उसके लिए पैसे ले रही है। यदि पुलिस जो है ना जुआ सट्टा रोकने के लिए बनी हुई है तो उसी के प्रश्रय में वो जुआ सट्टा खिलाया जा रहा है। आई फुल्ली एंडोर्स योर व्यूज एंड एग्री विद इट एंड आई विल डेफिनेटली। देखो मैं सब वीडियो देख रहा हूँ और अपने कभी कभी वो भी भेज देता हूँ, लाइकिंग भी भेज देता हूँ और थैंक्स भी भेज देता हूँ, और मैं डेफिनेटली आपसे पूरा फुल्ली अटैच्ड हूँ, और मेरे को आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी शुभकामना भी है। और नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा मामा जी, ऐसे नहीं चलेगा ना। वो जो है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो जो है ना दूर से शुभकामनाओं से काम चलेगा और ना ही रेसिडुअल एनर्जी से काम चलेगा। तो हम ये कह रहे हैं आप जितना कमा रहे हैं उससे 10 गुना कमाने का मौका आपको सीएफबी देती है, और यू व्हाई योर फुल एनर्जी शुड नॉट बी विद सीएफबी। आप आदेश करिए ना, आप बताइए, आप बताइए। जैसे मान लो आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, एक फील्ड हो सकता है कि लॉ का फील्ड है, राइट? तो लॉ के फील्ड में जो है ना लेट्स क्रिएट ए नेटवर्क एंड उनको जैसे जूम करिए कि जैसे जो है FIR है, राइट? नाउ FIR में दे विल बी इंटरफेस, राइट? FIR में हम जो है ना सीधे पुलिस को FIR करेंगे ही नहीं, हम क्या FIR विल फर्स्ट कम टू द सीएफबी, और सीएफबी में वी विल क्रिएट द विटनेस टू द FIR, राइट? तो हर चीज जो है इट विल बी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डेड एंड इट विल बी लॉग्ड विद द डेट एंड टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प, राइट? तो उसको जो है ना कोई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर पाएगा, राइट? और फिर हम जो है कोर्ट के उसके पुलिस के पास जाएंगे, कौन जाएगा? सीएफबी विद ऑल कंटेंट। हे पुलिस, वी आर द लॉ हैज गिवन अस द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 39 ऑफ CRPC टू रिपोर्ट एवरी मैटर विच इज जो है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट? एंड यू आर ऑल्सो हैविंग द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर 154(1). आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू डिस्चार्ज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। We will not talk, कृपया FIR दर्ज कर लें। It is your legal responsibility. हम जो है ना इन लोग धूर्तों को महान बना दिए इनके सामने हाथ जोड़ के, इनको बताना है कि it is your legal responsibility, failing which you will be liable criminally, you will be liable administratively, you will be liable legislatively, you will be liable constitutionally. 4 liability के खुद झेलने की क्षमता साले किसी भी नालायक में नहीं है। हाँ ये तो बात ठीक है, गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट जो है अच्छी पुलिसिंग देना इस गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर एंट्री लिस्ट 2 एंट्री 2 ऑफ द जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल 7। तो यदि आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं
देन उसी में प्रावधान है आर्टिकल 356 फेलोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे आप सत्ता में पहुंचे हैं आप सिलेक्टिवली अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ, एक एक सुप्रीम कोर्ट की पुरानी मेरे को अच्छी तरह याद नहीं है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, मैं तो क्रिमिनल लॉ इतना नहीं करता, उसमें लिखा था कि नेशनल लेवल के ऊपर यूनिफॉर्म पुलिस लॉ होना चाहिए। पुलिस यूनिफॉर्म पुलिस लॉ तो है ही ना, आईपीसी सीआरपीसी यूनिफॉर्म पुलिस लॉ। नहीं, वो पुलिस नहीं, पुलिस अकेडमी, यानी कि पुलिस, देखिए मेरी बात सुनिए, पुलिस अकेडमी भी बन गई है। देखिए पुलिस अकेडमी जैसे हैदराबाद में है, नेशनल पुलिस अकेडमी उसका नाम है, राइट। अब इस डिप्टी एसपी लेवल पे भी नेशनल पुलिस अकेडमी है जो कि भोपाल में है। अभी तो स्टेट पुलिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। मैं देखो यार, ये देखो देखो मामा जी, एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि ये जो है ना, आप इस धंधे से बाहर निकलिए कि स्टेट सब्जेक्ट है या फलाना, स्टेट और सब्जेक्ट इसलिए है सो दैट यू कैन हैंडल द स्मॉल रीजनल एस्पेक्ट ऑल्सो। दोज रीजनल एस्पेक्ट मे नॉट बी एग्जिस्टिंग इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, सो दैट वो जो रीजनल सेंसिटिविटी को एड्रेस करने के लिए से स्टेट सब्जेक्ट में रखा गया है। नहीं तो जो है, जो हमने लॉ बताया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम, वो तो नेशनल लेवल पे कह रहे हैं ना, अंडर लिस्ट वन अंडर 60 एंट्री 65C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन प्रोविजन को इग्नोर किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पुलिसिंग में क्राइम के डिटेक्शन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सक्लूसिवली विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिस्ट वन जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है। लेकिन लोग बाग तो सिलेक्टिवली देखना चाहते हैं ना, और हम लोग नालायक हैं। ये बताइए, जिस देश में यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये क्राइम है, अंडर 39 सीआरपीसी इज ए इनेबलिंग एज वेल एज ए क्रिमिनल प्रोविजन। एंड वो, और वो ये भी कह रहा है कि बर्डन ऑफ जो है ना प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन यू। तो बाकी कानून तो आपको कहता है कि भैया तुमने कोई क्राइम किया है तो पुलिस और प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करेगा कि आप गिल्टी हैं। सेक्शन 39 कहता है कि नहीं भाई साहब, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर इनोसेंट, आप क्यों नहीं रिपोर्ट कर पाए। इतना पावरफुल सेक्शन पब्लिक से छिपा लिया गया। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा छिपाया गया है। इतना पावरफुल सेक्शन पुलिस के किसी डिस्कोर्स में क्यों नहीं आया, नेता के किसी डिस्कोर्स में क्यों नहीं आया, उजागर ही नहीं, जजेस के डिस्कोर्स में क्यों नहीं आया, और आप वकीलों के डिस्कोर्स में क्यों नहीं आया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपके कम से कम डिस्कोर्स में तो आना चाहिए था ना। ठीक बात है। हम इनसे हाथ जोड़ के एफआईआर दर्ज करने के लिए क्यों कहते हैं, हम क्यों नहीं कहते हैं कि इट इज योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में तो सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 जजमेंट दे दिए और सबका निचोड़ यही है कि भैया यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट है तो आपको जो है ऑफेंस रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं अपनी पुलिस से, खुद की पुलिस से पूछता हूं, जिसमें मैं 7.5 साल डीजी भी रहा हूं, मैं अपनी पुलिस से पूछता हूं कि भाई साहब आपने कंप्लेंट डिपार्टमेंट किस अथॉरिटी से बनाया है, आप इंक्वायरी एंड रिपोर्ट कैसे करते। कानून तो बड़ा क्लियर कहता है वेदर इट्स कॉग्निजेबल और इट्स नॉन कॉग्निजेबल। यदि कॉग्निजेबल है तो भाई साहब एफआईआर दर्ज करो। तो जो कंप्लेंट डिपार्टमेंट में या जो भी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का काम होना चाहिए कि भाई साहब इससे जो है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो ना गंध आ रही थी, आप बताएंगे कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है। ठीक बात नहीं, इस भाषा में बात कौन करेगा, कब करेगा। लॉकी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग नालायक हैं, ये प्रॉब्लम है। ये बात और सबको या तो डरा हुआ प्राणी है या वो जो है ना अपने फेवर में अपना फायदा देखना चाहता है। वो इस देश का फायदा कौन देखेगा, जब जहां पे ना कोई राजनीति का धर्म है, कभी कोई इसको छोड़ के इसमें जा रहा है, कोई इसको गिरा रहा है, कोई इसको गिरा रहा है, कोई इसके लिए करोड़ों का लेन देन हो रहा है। जो घटिया चरित्र से जो है ना जो चीजें पैदा होंगी और जो घटिया चरित्र से लोग जो सत्ता में आएंगे वो इस देश का भला कैसे कर सकते हैं। ठीक बात है, उनकी सोच में भला नहीं होगा ना। हाँ, मैंने आपको एक मिस्टर जस्टिस सोमानी है राजस्थान हाई कोर्ट के, वो भी आपके उस पे हैं, देखते हैं, मैंने भेजा, मैं उनको भी कल बात करूंगा, आप भी उनसे एक बार बात कर लेना। आप मुझे उनका नंबर एक बार भेज दीजिए, हमारे ऑलरेडी उसमें है वो। हाँ हाँ, ऑलरेडी है, जस्टिस सोमानी है, दिनेश कुमार सोमानी, मैं फिर भी भेज दूंगा आपको एक बार। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, देखिए देखिए मामा जी, मेरी प्रार्थना ये है कि अब करके दिखाने का समय है, हम किसी को अवेयरनेस नहीं बांटेंगे। एंड आई एम एंटी अवेयरनेस एंड एंटी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं
नॉलेज नहीं बांटूंगा, मैं स्किल बांटूंगा, स्किल डेवलपमेंट करूंगा, और स्किल डेवलपमेंट करके आपको दूसरी जगह रोजगार खोजने नहीं जाना पड़ेगा, हम ही रोजगार देंगे आपको। मैं आपके पूरा आपके साथ उस समर्थन करता हूँ, मेरे लायक जो भी वो हो मुझे जैसे भी। तो मैं आज और कल यहाँ पे हूँ, यदि आप आ सकते हैं तो मध्यांचल में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा, आप आइए बात करेंगे अपन, क्योंकि इसमें जो है ना रेसिडुअल एनर्जी से काम नहीं चलेगा। कहाँ पर है ये? मध्यांचल है, इट इज नियर बसंत कुंज। मध्यांचल, अच्छा या तो आप आज और कल में हैं, कल कितने बजे तक हैं? मैं आप मॉर्निंग में आई विल प्रेफर, क्योंकि हमारी आफ्टरनून के बाद आई एम एंगेज, सो इफ द फोरनून इफ यू कैन ड्रॉप इन एंड वी कैन हैव ए चैट एंड वी कैन सिट ओवर ए कप ऑफ टी, डेफिनेटली, एंड हम जो भी बात करेंगे वो रिकॉर्डेड रहेगी, क्योंकि हम उसको जो है बातचीत मानी नहीं रहे हैं। आई एम कंसिडरिंग एट एज एनर्जी, तो हम एनर्जी जो है हमारे और आपके बीच में क्यों खर्च होना चाहिए? मैं ऐसा करता हूँ, हाँ हाँ, रात को आपसे बात करता हूँ या रात को मैसेज डाल दूंगा, सवेरे का प्रोग्राम बना लेंगे, ठीक है? समबडी इज कमिंग टू माई प्लेस, मैं देखता हूँ उसको, फिर अल्टर करूंगा, कर लूंगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी और काम से, तो मैं कल आपको डेफिनेटली मिलता हूँ, फोर नोन डेफिनेटली। चलिए चलिए, ग्रेट मामा जी, हम सब लोग जो है ना फुल एनर्जी से लगे, रेसिडुअल एनर्जी नहीं चलेगी। भगत सिंह, खुद को भगत सिंह बनाना पड़ेगा, पड़ोस के घर में हम भगवत सिंह को तलाशना बंद करें। बिल्कुल, कल चाय पीते हैं। राइट राइट, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।